गुजरात के मोरबी हादसे में मरने वालों की संख्या पहुंची 140 के पार, घायल अस्पताल में भर्ती। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मोरबी में घटनास्थल का किया दौरा, हालातों को जाना। गुजरात के मोरबी हादसे पर गृहमंत्री अमित शाह ने जताया शोक, ट्वीट कर लिखा, हादसे से अत्यंत दुखी हूं। गुजरात के मोरबी हादसे पर राज्य के गृहमंत्री हर्ष सांघवी का बयान, कहा दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मीडिया में गुजरात में सीएम गहलोत मीडिया से हुए रूबरू, मोरबी की घटना को बताया लापरवाही का नमूना, सिर्फ जांच से काम नहीं चलेगा, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सरदार पटेल की जयंती पर नमन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी दी श्रद्धांजलि। गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन, पीएम मोदी ने परेड में लिया हिस्सा, संबोधित भी किया। गृहमंत्री अमित शाह ने लौह पुरुष को किया नमन, कहा सरदार पटेल के लौह इरादों के आगे कुछ भी असंभव नहीं था। सरदार पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम, दिल्ली में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी को नमन किया। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी और पटेल को किया नमन, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में कोहरे की दस्तक और प्रदूषण का साया, अगले दो दिन हल्के कोहरे की संभावना, प्रदूषण से दिल्ली वालों की सांसों पर पहरा। भारत समेत कई देशों में मनाया गया छठ पर्व, न्यूजर्सी, टेक्सास सहित यूनाइटेड स्टेट के कई स्थानों में बड़ी संख्या में भक्तों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। आस्था के महापर्व छठ पर्व पर उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य, दिल्ली से लेकर पटना तक नदी के घाटों पर दिखा उल्लास। डीजीपी एमएल लाठर ने जयपुर रिजर्व पुलिस लाइन का किया निरीक्षण, मीडिया से बातचीत में कहा मेरे कार्यकाल में अपराधों में कमी लाने पर रहा जोर। पीएम मोदी 1 नवंबर को मानगढ़ धाम का करेंगे दौरा, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बालोतरा के रिको एरिया में कपड़ा फैक्ट्री में झुलसने से मजदूर की मौत, सत्तर के परिजनों ने किया प्रदर्शन, मुआवजे की मांग। श्रीगंगापुर के पंतपुर में 5 साल के मासूम की हत्या, महिला और उसके पुरुष मित्र को किया राउंडअप। उदयपुर के गोगुंदा में कार सवार दंपति से बदमाशों ने की मारपीट, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कोटा में कार में आग लगने से 1 युवक की मौत, दमकल ने आग पर काबू पाया। अजमेर के प्रसांगर में फसल में लगी आग, ग्वार और ज्वार की फसल जलकर खाक। जेडीए की जोन 13 में अवैध कॉलोनी ध्वस्त करने की कार्रवाई, 2 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही कॉलोनी ध्वस्त। हनुमानगढ़ के रावसर में लूट के 5 आरोपी गिरफ्तार, 11 लाख रूपये की चोरी की। टोंग में आज से 40 ट्रॉली चारा 300 पाइप जले, 5 किसानों को 8 लाख का नुकसान, 1 घंटे में पाया काबू। अलवर के डब्ल्यूएस क्वार्टर्स में रंजिश के चलते 2 पक्षों ने लाठी डंडे बरसाए, महिला सहित 5 लोग घायल। कोटा में 5 घंटे में 3 मगरमच्छ पकड़े, नदी नाले से निकलकर मैरिज गार्डन व बाड़े में आए, फॉरेस्ट की टीम ने रेस्क्यू किया। कोर्ट में नीचे बने बंदी हवालात में मिली सुरंग देख रहे अधिकारियों के होश, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1326 नए मामले आए सामने, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 17,912 पर पहुंचा। उदयपुर में चेस्टर टूर्नामेंट में हुए रोमांचक मुकाबले, राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता, 16 जिलों के 125 खिलाड़ी ले रहे भाग। मरुधरा में सर्दी का दिखने लगा असर, मौसम विभाग ने दी है कड़ाके की ठंड की चेतावनी, कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी का असर। अजय देवगन की थैंक गॉड फिल्म वीकेंड पर हुई फुस, फिल्म का अब तक कुल कलेक्शन 29 करोड़ 40 लाख रुपए रहा।